तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। कैप जेमिनी का नाम आपने सुना होगा। आईटी की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। इसी के अंदर काफी सारी रिक्रूटमेंट जॉब्स निकली हुई हैं। ये कंपनी 1967 में स्टार्ट हुई थी, फाउंड हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस के अंदर है। काफी बड़ी कंपनी है, काफी ज्यादा एम्प्लॉयज है, मतलब 4 लाख के करीब इसमें एम्प्लॉयज है। $22 बिलियन से ज्यादा का इसका रेवेन्यू रह चुका है। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई हैं, कैसे आप इन जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी डेजिग्नेशन पे ये जॉब्स हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या आपकी क्राइटेरिया रहेगा, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन इस पे रहेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को चेकआउट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा इंटरफेस पे, और ये जो वैकेंसीज हैं ये कैप जेमिनी के अंदर हैं, और ये काफी बड़ी कंपनी है। कैप जेमिनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और इसमें जो वैकेंसीज हैं वो आप देख सकते हैं। टीम लीडर की वैकेंसी निकली हुई है, टीम मैनेजर की 5 दिन पहले निकली थी, टीम मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई है। ऐसे ही 1 दिन पहले शेड्यूल वॉक इन फॉर सेल्स फोर्स की वैकेंसी है, एम्बेडेड टेस्टर की वैकेंसी है, SAP बेसिस हाना प्रोफेशनल की वैकेंसी, मोशन एंड ग्राफिक डिजाइनर की वैकेंसी है, पब्लिक सिक्योरिटी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की वैकेंसी है, मैट टेक डिजिटल की वैकेंसी है। ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको नज़र आती जाएंगी। ये वैकेंसीज आप मेरे लिंक के थ्रू से जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहाँ से जाके डायरेक्टली इन वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। कोई भी एक वैकेंसी आप देख लीजिए, आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कौन सी कैसे आपको अप्लाई करना है। टीम मैनेजर की वैकेंसी ले लीजिए, तो देखिए इसमें सबसे पहले जॉब हाईलाइट पढ़ लीजिएगा, और जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 9 से 12 साल का चाहिए। कोलकाता के अंदर ये वैकेंसी रहेगी। प्रोसेस मैपिंग, क्लाइंट इंगेजमेंट, HR पॉलिसीज की जो स्किल्स होनी चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। टीम मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए आपके पास अदर की स्किल में। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा वो आप पढ़ लीजिएगा। प्राइमरी स्किल्स क्या रहेंगी, सेकेंडरी स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए आपके पास। इंडस्ट्री IT सर्विसेज एंड कंसल्टेंटिंग की है। HR डिपार्टमेंट रहेगा, HR ऑपरेशन रोल कैटेगरी रहेगा। फुल टाइम वैकेंसी रहेगी, परमानेंट वैकेंसी रहेगी। कोई भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। ये पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन और क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। आप अपनी क्वालिफिकेशन अपने रेलिवेंट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही बने रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।